तो चलिए दोस्तों, वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस के बारे में आपने बहुत ही दिन से इंतजार किए थे। वेक्टर कैलकुलस फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया है। वेक्टर कैलकुलस का आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के बारे में। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसी के पार्ट होता है, वेक्टर कैलकुलस का ही पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर होता है। हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके पूरे पार्ट को हमने कवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपने देख लिया होगा, नहीं देखे हो तो आई बटन में चले जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के बारे में, इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। टोटल क्या होता है, किस प्रकार से यूज होता है, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल विवेक मिश्रा चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ आपके बीएससी सेकंड ईयर के। चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलर फंक्शन के बारे में। स्केलर फंक्शन क्या होता है इसको पहले समझेंगे। पहले हम स्केलर फंक्शन समझते हैं, बाद में हम वेक्टर फंक्शन भी समझेंगे। होता क्या है, देखिए आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन भी लगाने होते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये बताते हैं कौन सा मेथड लगाना चाहिए, क्या होता है स्केलर फंक्शन। आगे जब हम बताएंगे क्वेश्चन में स्केलर फंक्शन होते क्या है, तो आप क्या जानेंगे स्केलर फंक्शन क्या होते हैं और क्या जानेंगे वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं स्केलर फंक्शन के बारे में। स्केलर फंक्शन क्या होता है इसी के बारे में देखेंगे। स्केलर फंक्शन देखेंगे, समझिए पहले कि यदि जैसे मान लीजिए कोई भी f of t लिखा गया है, स्केलर फंक्शन, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ हो या ना हो लेकिन हमेशा ये रियल नंबर होता है। स्केलर फंक्शन मतलब अदिश फंक्शन होता है ये, और वेक्टर फंक्शन सदिश फंक्शन होता है, सदिश फलन जिसे बोलते हैं। तो ये एक रियल नंबर होता है, इसीलिए लिखा है स्केलर फंक्शन इज नथिंग। स्केलर फंक्शन कुछ हो या ना हो बट लेकिन ए रियल नंबर, एक रियल नंबर होता है। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया। बात करेंगे लेट सपोज दैट डी बी एनी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर कोई हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर समझते हैं। टोटल नंबर आप जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े तो एक बार जाकर पढ़ लीजिए। तो लेट डी बी एनी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मान लेते हैं जो डी है वो सभी रियल नंबर का एक सबसेट है, मतलब छोटा सेट। जैसे मान लीजिए रियल नंबर है ये इट इज रियल नंबर, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर है, और इसका एक छोटा पार्ट जो कि इससे बिलोंग करता है, सभी एलिमेंट इसमें हो, इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हो, तो ये हमारा इसका ये सेट कहलाएगा और ये इसका सबसेट कहलाएगा। जैसे ग्रुप पढ़ते थे ग्रुप सब ग्रुप, वैसे सेट और सबसेट। पूरे रियल नंबर का एक डी मान लेते हैं जो कि सबसेट है, और इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके सेट रियल नंबर में बिलोंग करेंगे तभी वो उसका सबसेट हो सकता है। अब बताएंगे, देखिए एक चीज होता है सबसेट और प्रॉपर सबसेट। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में एक थोड़ा सा अंतर है। सबसेट जो होता है, सबसेट मतलब जैसे सेट है, सपोज दैट समझिए ये सेट हुआ, ये सेट के कभी कभी ऐसा होता है कि सबसेट मान लीजिए ये सेट है, ये सबसेट इसमें है ए बी सी, इसके तीन के तीनों एलिमेंट इसमें पाए जा सकते हैं ए बी सी, तो ये सबसेट हो सकता है। बट प्रॉपर सबसेट कभी भी इसके पूरे एलिमेंट प्रॉपर सबसेट में नहीं पाए जा सकते हैं, ये हमेशा उससे छोटा ही रहेगा। ये अंतर होता है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में, समझ में आ गया होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा होगा। तो स्केलर फंक्शन इज नथिंग बट ए रियल नंबर, लेट डी बी एनी सबसेट। हम मान लेते हैं डी क्या है, एक सबसेट है ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, किसी रियल नंबर का। इफ टू ईच एलिमेंट टी, कोई भी एलिमेंट मानते हैं टी, प्रत्येक एलिमेंट टी ऑफ डी, डी का प्रत्येक एलिमेंट, जैसे मान लीजिए ये हमारा सबसेट हुआ रियल नंबर का डी, और इसके प्रत्येक एलिमेंट, इसके प्रत्येक एलिमेंट को हम टी से डिनोट करें, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ टी, वी एसोसिएट बाय सम रूल ए यूनिक रियल नंबर एफ ऑफ टी। हम एक रूल के द्वारा एफ ऑफ टी जिसे हम लिखते हैं, इस रूल के द्वारा इसे दर्शाते हैं, जहां पर एफ क्या होगा हमारा एक, यहीं पर समझेंगे, एफ ऑफ टी के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां पर एफ क्या होगा, स्केलर फंक्शन, और ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एफ ऑफ टी पूरा स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। जो सिर्फ और एफ होता है, सिर्फ ओनली वन एफ, वो क्या कहलाता है, स्केलर फंक्शन, और जो ओनली वन टी होता है ये क्या कहलाता है, स्केलर एलिमेंट कह सकते हैं इसके, या फिर वेरिएबल बोल सकते हैं,
स्केलर वेरिएबल या फिर स्केलर एलिमेंट बोल सकते हैं। तो इसी रूल के द्वारा हम दर्शाते हैं जहां पर जो फंक्शन लगता है किसी भी स्केलर वेरिएबल या स्केलर एलिमेंट को डिनोट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वही हमारा कहलाता है स्केलर फंक्शन। फिर समझिए, ये तो लिख लिए ना, एफ ऑफ टी हुआ, हम जानते हैं टी क्या है, एक टी एक सबसेट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है डी, और डी का ये एलिमेंट है टी। तो इसको डिनोट करने के लिए, इसको एक फंक्शन चेंज करने के लिए, इसका एक मान लीजिए जैसे ऑपरेशन आप लगाते हैं वैसे इसको फंक्शन लगाते हैं, तो फंक्शन जो लगता है तो यही हमारा एफ जो है जो इसको फंक्शनेट करता है, यही एफ जो है यही हमारा क्या कहलाता है, स्केलर फंक्शन कहलाता है। और ये तो हमारा स्केलर वेरिएबल है ही, और टोटल हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो वही कहा गया कि हियर एफ टी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड दस एफ इज ए स्केलर फंक्शन, लिख लेंगे एंड टी इज, ऊपर तो लिखे हैं फिर से लिखना चाहे लिख सकते हैं, टी इज स्केलर एलिमेंट का या फिर वेरिएबल, स्केलर वेरिएबल। इसी तरह आप वेक्टर फंक्शन भी दिखा देंगे, नोट कर लीजिए फटाफट से। अब इसमें देख लेंगे वेक्टर फंक्शन में क्या होता है, लेट डी बी ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, माना डी जो है सबसेट है पूरे रियल नंबर का, एक सेट है जिसका एक सबसेट क्या है डी है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ डी, यदि प्रत्येक एलिमेंट डी के प्रत्येक एलिमेंट टी, डी के प्रत्येक एलिमेंट ईच एलिमेंट टी ऑफ डी वी एसोसिएट बाय सम रूल ए यूनिक वेक्टर एफ टी, उसमें और इसमें यही अंतर है, उसमें स्केलर क्वांटिटी लिए थे ना एफ टी, इसमें जो फंक्शन लगाते हैं वो एक वेक्टर होता है, तो हमारा क्या कहलाता है वेक्टर फंक्शन, टी वेरिएबल का वेक्टर फंक्शन। यहां पर जो एफ ऑफ टी है इस प्रकार होता है, इसे एफ को क्या लिखते हैं, यही एफ हमारा क्या होता है वेक्टर फंक्शन। जो टी होता है वो क्या होता है स्केलर वेरिएबल, और ये क्या होता है हमारा एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यही अंतर होता है इसमें। ये जो फंक्शन लगा होता है अगर वेक्टर है तो वेक्टर फंक्शन हो जाता है स्केलर वेरिएबल, ये हमेशा स्केलर ही रहता है, स्केलर वेरिएबल का ये वेक्टर फंक्शन लग जाता है तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, और जो वेक्टर फंक्शन होता है कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, इसको हटा दें, एफ ऑफ टी वेक्टर एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ वन ऑफ टी आई कैप प्लस एफ टू टी जे कैप प्लस एफ थ्री के, इस प्रकार ये डिनोट किया जाता है, नोट कर लीजिए। चलिए अगर बात कर लेते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बारे में, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है ये पहले समझेंगे, देखेंगे। इफ टू ईच पॉइंट, यदि प्रत्येक पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी लिए हैं जो कि एक्स वाई और जेड तीन के तीनों डायरेक्शन में है, तो इफ टू ईच पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑफ ए रीजन आर, किसी भी रीजन मतलब होता है क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र आर के, कोई भी क्षेत्र मान लीजिए यही हमारा एक रीजन है, इस रीजन आर का कोई भी पॉइंट, मान लीजिए कोई भी पॉइंट पी है जिसका तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड, पी ऑफ एक्स वाई जेड, देयर करेस्पॉन्ड ए यूनिक स्केलर एफ ऑफ पी, जिसमें एक करेस्पॉन्ड ए यूनिक स्केलर, एक स्केलर फंक्शन जो हमारा हो एफ ऑफ पी, तब हमारा जो एफ कहलाता है वो क्या कहलाता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्केलर फील्ड है एफ, जो हमारा स्केलर फील्ड है वो डिफाइंड है किसमें, उस रीजन आर में डिफाइंड है। मतलब कहने का मतलब यह है यदि कोई पॉइंट लिया गया है किसी भी रीजन आर का, तो यदि उसमें करेस्पॉन्ड है यूनिक स्केलर या फॉप पी, कोई स्केलर या फॉप कोई फंक्शन लगाया जा रहा है उसी पॉइंट पर, जैसे एफ ऑफ पी लगा दिया गया है इसी फंक्शन पर, कोई स्केलर पर कोई भी फंक्शन लगाया जा रहा है, तब वह फंक्शन हमारा क्या कहलाता है स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है। मतलब स्केलर के कोई भी स्केलर रीजन है, कोई भी रीजन है उसका एक पॉइंट लिया गया है तो वह फंक्शन यदि उस पर लगा दिया जाता है तो वह स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है, उस पॉइंट पर अगर लगाया जाता है। और यदि वेक्टर पॉइंट है तो हम बताएंगे इफ टू इज पॉइंट पी
एक्स वाई जेड ऑफ ए रीजन आर, कोई किसी भी रीजन आर का कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई जेड है, मान लीजिए यही है सेम टू सेम इन स्पेस, देयर करेस्पॉन्ड ए यूनिक वेक्टर फंक्शन लगाते हैं इसमें, जैसे स्केलर फंक्शन जो लगाएंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा उस पॉइंट पर, और इसी पॉइंट पर यदि हम वेक्टर फंक्शन लगा दें, मतलब ये वेक्टर एफ ऑफ पी, तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाता है। एंड वी कैन से, और हम कह सकते हैं ए वेक्टर फील्ड हैज बीन डिफाइंड इन आर, जो वेक्टर फील्ड होगा इस वहां पर स्केलर फील्ड इस रीजन में डिफाइंड करता था, और यहाँ पर ये वेक्टर फील्ड क्या करेगा इस रीजन आर में क्या करेगा डिफाइन करेगा। तो उम्मीद करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में छोटा ही था, समझ में आओगा। अगली वीडियो भी हम बताएंगे, उसमें हम कराए हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, उसको ध्यान से देखिएगा। तो आने वाली वीडियो जल्द ही आएगी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में जैसा कि हम बात करेंगे कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में, जैसे फार्मूले हो गए, डिफरेंशिएशन फार्मूले हो गए, तो उसके बारे में हम बताएंगे, तो वो फार्मूला आप जरूर देखिए क्योंकि वो फार्मूला आपके हमेशा भी यूज होगा। तो क्रम वाइज से वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और इंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा चैनल की प्लेलिस्ट ही पूरे डिफरेंशियल वेक्टर एंड कैलकुलस जो पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर कैलकुलस, इसकी पूरी प्लेलिस्ट ही दिख रही होगी, आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन पर, और वहां पर क्लिक कीजिए और पूरी की पूरी एक तरफ से वीडियो आप देख सकते हैं। तो जय जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।